हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हब। आज हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका एग्जाम डेट 4/1/2021 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? इसका आंसर है कोलकाता में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर है अक्टूबर 2005 में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 10। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है उड़ीसा में। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 2003 में। हमारा छठा क्वेश्चन है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 2016 में। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? इसका आंसर है 1900 में। हमारा आठवां क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर। हमारा नौवां क्वेश्चन है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। हमारा दसवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।